हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और आज मैं जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है ना चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ, और आज कंप्लीट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और दोबारा जो है लास्ट वीक बनाया था, अब दोबारा फिर बना रही हूँ। अब इसके बनाने के जो है ना बहुत से रीज़न है, एक तो यही जो गला बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ है ना, उसके लिए जो है वो सूप की ज़रूरत थी। और उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन कॉर्न सूप, जस्ट चिकन और कॉर्न का। वेजी सूप तो मुझे इतना नहीं पसंद, जस्ट यही सिंपल चिकन कॉर्न सूप जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो मैं जो है ना फिर मैंने कहा आज फिर ये बनाती हूँ। तो बस मैं चिकन और कॉर्न को इकट्ठे ही रख देती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये जब बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन गल जाता है ना और कॉर्न भी साथ हो जाती है, तो फिर इनको अलग करके और चिकन का रेशा कर लेती हूँ, बोन को अलग कर लेती हूँ, और कॉर्न को भी जो है ना इसी तरह जो है ना इसको निकाल लेती हूँ, और जो है ना ज़बरदस्त किस्म का जो है फिर इस यखनी में ही ये सारा कुछ डाल देती हूँ। और यखनी बनाते वक्त जैसे इसमें नमक डालती हूँ, उसके अलावा ब्लैक पेपर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने भी पीनी होता सूप जो है ना। तो बस इसी तरह जो है इसको डाल के और जो है ना फिर इसको जो है रख देंगे थोड़ी देर, इसमें जो है ना बबल्स बन जाए, अच्छी तरह पानी जो है ना वो जोश खा लें। और फिर उसके बाद जो है ये कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्ट्रेच वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं सूप को थिक करने के लिए, और जो है ना फिर मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा ये अपनी आपकी चॉइस है, आपने कितना थिक करना है कितना थिन करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ऑलमोस्ट जो है ना 4 to 5 स्पून डाल के ना तो चेक कर लेती हूँ, और अगर इतना थिक ना हो तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 2-3 और स्पून फिर डाल देती हूँ बाद में। लेकिन फ़र्स्ट जो है ना 4 to 5 स्पून डाल के चेक कर लेती हूँ कि थिक हो गया कि नहीं। और बस उसके बाद जो है वो सोया सॉस भी थोड़ी सी डालती हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से ना हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, और फिर बाद में जब प्याली में निकाल के सूप पीती हूँ ना तब मैं ज़बरदस्त किस्म का मज़े के ज़्यादा ज़्यादा सारा सारा कुछ डालती हूँ। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है सोया सॉस भी ज़्यादा, और सिरका भी, स्पाइसेस भी। तो बच्चों के लिए जब पकाते वक्त जो है ना पकते वक्त उसमें थोड़ा कम क्वान्टिटी डालती हूँ। तो बस ये हो गया है और बहुत ईजी बन जाता है, क्विक बन जाता है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती। तो यही 3-4 चीज़ें जो होती हैं मेन चीज़ें, सिरका हो गया, सोया सॉस हो गया, कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्ट्रच वगैरह हो गया, चिकन और कॉर्न, बस इन 5-6 चीज़ों के साथ जो है ना ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप रेडी हो जाता है। तो बस इसको जो है ना मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद अब देख रहे हैं कि इसमें जोश पानी में आ गया है और बबल्स बन रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जो है ना ये कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्ट्रच वगैरह डालना है। अगर ठंडे में डाल दिया तो फिर तो वो सारी जो है ना वो बन जाती हैं, मतलब मोटी मोटी सी ना फुटकड़ियाँ सी जो हैं वो बन जाती हैं। तो खैर मेरे हाथ में तो एक हाथ में मोबाइल था तो इसीलिए मैंने एक हाथ से डाला और उसी से ही फिर बाद में मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आपने एक हाथ से जो है वो इसको डालते जाना है और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाना है ताकि वो ना जो फुटकड़ियाँ सी हैं वो ना बने। तो उससे क्या होता है कि वो फिर जो है ना आप साथ साथ हिलाते रहेंगे बड़ा स्मूथ सा, और मज़े का जो है ना ये सूप रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह ही हिलाते जाना है और इसको ना थोड़ा सा पका लेना है, पहले हाई फ्लेम में और उसके बाद लो फ्लेम में। तो इसको जो है ना मैं मुसलसल स्पून जो है ना वो चलाती जा रही हूँ ताकि जो है नीचे से ना लगे और प्रॉपर जो है ना अच्छी तरह से जो है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्ट्रेच वगैरह मिक्स हो जाए। और बस बोन वाली, अच्छा चिकन जो है ना बोन वाला इसलिए मैंने यूज़ किया, उसका जो है बहुत ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप बोनलेस भी बनाएं तो वो भी सही रहेगा, लेकिन जो बोन के साथ बनता है ना उस सूप का तो टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त होता है मज़े का। तो बस ये देखें थिकनेस जो है ना आपने यहाँ से चेक कर लेनी है, और थिकनेस का ना एक आपको बताती हूँ ट्रिक कि कैसे फ़ील करना है कि थिक हो गया, कितना थिक चाहिए। जब आप स्पून इसमें हिलाते जाते हैं ना तो आपको पानी जो है वो हैवी फील होता है, यही जो यखनी है सूप है वो आपको हैवी फील होगा। जब आपको हैवी फील हो इट्स मीन के थिक हो गया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा थिक करना चाहते हैं। जब जो है ना ये पक जाता है और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो थिकनेस इसमें और ज़्यादा आ जाती है, यानी जितने पॉइंट तक आपने बनाया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8 पॉइंट तक बनाया तो उसके बाद जब ठंडा होने तक ये 10 पॉइंट तक थिक हो जाता है, यानी 2 पॉइंट ऊपर तक ही जाता है थिक होने में। तो यही होता है कि जो है ना अगर आपने रेडी करना है 10 पॉइंट तक रेडी करना है तो 8 तक काफ़ी होता है। अब
मैं इसको यही चेक कर रही थी कि इसमें जो है ना मुझे जितनी थिकनेस चाहिए ना, तो वो इसमें इनफ है कि इसको आप देखें उठा के जो है ना वो मिक्स करते हुए फील हो जाता है कि अच्छा इतना थिक हो गया है। और रेडी होके तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा जो है ना सूपी सूपी सा होना चाहिए। तो ये देखें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा स्पून में स्टे भी कर रहा है, तो बस इतना जो है ये नॉर्मल है मेरे लिए, तो मुझे जितना पसंद है थिक, तो बस ये हो जाएगा। और अब इसमें जो है ना एग मैंने जो है वो डाल दिया, और एग डालते वक्त भी इसी तरह एक हाथ से आपने डाला और दूसरे से मिक्स करते जाना है मुसलसल। अगर आपने जो है वो डाल दिया और मिक्स ना किया ना, तो वो एग वैसे ही फ्राई बन के बाहर आ जाएगा, तो उसको प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो मैंने बच्चों के लिए जो है ना निकाल लिया था, तो इसीलिए मेरा जो है ना हैफ रह गया था, और बाकी में जो है ना मैंने एग डाल दिया था क्योंकि मन्हा को एग से एलर्जी है, तो एक ही मैंने एग डाला। आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, मैंने कम इसीलिए डाला कि मुझे भी ये है कि अंडा जो है ना वो कम होना चाहिए। तो बस मेरा सूप जो है ना वो रेडी हो गया था, इसी तरह अंडे के भी रेशे हो गए, चिकन के भी, और ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का रेडी हो गया। और स्पाइसेस में जो है इसी तरह बनी बनाई भी जो होती हैं रेड चिली वाली, और घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, सॉसेस मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ये जो है ग्रीन चिली और रेड चिली जो है ना सॉस घर में कैसे बनाई जा सकती है। ग्रीन वाली मिर्ची तो मुझे बहुत पसंद है, जस्ट अभी तो मैंने जस्ट सिंपल काट के और सिरका डाल के रख दिया था, और थोड़ी सी हो गई थी तो वो मैंने सूप में डाल दी थी। बाकी मैं इसको कंप्लीट जो है ना मिर्चों की रेसिपी, दोनों स्पाइसेस की रेड और ग्रीन, वो आपके साथ शेयर करूँगी घर में कैसे बनाते हैं। तो बस हम लोगों ने जो है ना चिकन कॉर्न सूप पिया मज़े का, और पता है सर्दी में बड़ा मज़ा आता है पीने का, तो बस हम पी के और फिर बाहर निकले। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी, और एट गेट मैंने कहा जाते जाते रास्ते का जो है सारे व्यू आपको दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत हसीन जो है वो सारा व्यू लग रहा था। अच्छा माशाल्लाह बच्चे जो है ना ये व्यू एंजॉय करते जा रहे थे और बता रहे थे एक ट्री के अंदर जो है ना कितने कलर्स के अब जो है वो पत्ते हो चुके हैं, रेड ग्रीन पर्पल ऑरेंज येलो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम आए हैं कप केक लेने, और यहाँ पे मन्हा की बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए केक का देखने के लिए अभी तो खैर ऑर्डर नहीं दे रहे, अभी देखने आए हैं कि क्या क्या कौन कौन से केक हैं। और स्पेशल केक, स्पेशल कप केक्स हैं जिसमें एग नहीं है, एग फ्री हैं, क्योंकि मन्हा को एग से एलर्जी है, तो आज मन्हा बहुत हैप्पी है क्योंकि उसको एग फ्री जो है ना वो कप केक्स मिले हैं। तो बस हम यहाँ पे आए थे क्विकली, हमने यहाँ से जो है इनके लिए कप केक्स लिए, और अब देखेंगे बर्थडे पे हम क्या कौन से केक का ऑर्डर देते हैं। तो बस हम लोग जो है इन्जॉय करते करते, वेदर को इन्जॉय करते करते वापस घर आए हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने भी हमारे साथ जो है वो होल डे जो स्पेंड किया आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।